उदाहरण तीसरे का तीसरा, गुणनखंडन करके समीकरण को हल कीजिए। वर्गमूल 3 एक्स की घात 2 धन 10 एक्स धन 7 वर्गमूल 3 बराबर 0। हल, वर्गमूल 3 एक्स की घात 2 धन 10 एक्स धन 7 वर्गमूल 3 बराबर 0। यहाँ पे या 10 एक्स को हमें तोड़ना है, इसलिए पहले हम 7 वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे। तो हमें 7 वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करने पर वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3, 3 3 7 21, 21 का हम गुणनखंड निकालेंगे। 21 का गुणनखंड ऐसे निकालेंगे कि 21 का गुणनखंड योग करने पर 10 प्राप्त हो और गुणा करने पर 21 प्राप्त हो। तो इसके लिए हम लिखेंगे वर्गमूल 3 एक्स की घात 2 धन 10 एक्स को लिखेंगे हम 3 एक्स धन 7 एक्स धन 7 वर्गमूल 3 बराबर 0। यहाँ पे हमने अब हम कहीं 7 एक्स और 3 एक्स को योग करते हैं तो 10 एक्स प्राप्त होता है, और 7 एक्स को कहीं 3 7 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो 7 या 21, जो कि हम 7 वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करने पर प्राप्त किए थे। अब या यहाँ पे जब हम उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ पे वर्गमूल 3 उभयनिष्ठ नहीं निकल रहा है, जबकि यहाँ अंतिम दो पदों में वर्गमूल 3 जो है अंतिम पद पर है। तो इसके लिए हम इस 3 को लिखेंगे वर्गमूल 3 एक्स की घात 2 धन 3 को लिखेंगे वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 और एक्स धन 7 एक्स धन 7 वर्गमूल 3 बराबर 0। या यहाँ से हम पहले दो पदों में से उभयनिष्ठ निकालेंगे वर्गमूल 3 एक्स, तो हमें कोष्ठक के अंदर में एक्स धन वर्गमूल 3 मिलेगा। उसी तरह से धन 7 को हम उभयनिष्ठ निकालते हैं तो यहाँ बचेगा एक्स धन वर्गमूल 3 बराबर 0। अब दोनों पदों में से हम उभयनिष्ठ निकालेंगे कोष्ठक में एक्स धन वर्गमूल 3 और दूसरे कोष्ठक में जो है वर्गमूल 3 एक्स धन 7 बराबर 0। या एक्स धन वर्गमूल 3 बराबर 0, या वर्गमूल 3 एक्स धन 7 बराबर 0, या एक्स बराबर ऋण वर्गमूल 3, या एक्स बराबर धन 7 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 7, और वर्गमूल 3 को का पक्षांतर करेंगे तो बटा 3 हमें प्राप्त होगा। अतः एक्स बराबर ऋण वर्गमूल 3 और ऋण 7 बटा वर्गमूल 3 समीकरण के दो मूल है। तो हमने देखा कि दिए गए वर्ग समीकरण के दो मूल है, x बराबर ऋण वर्गमूल 3 और ऋण 7 बटा वर्गमूल 3, जो कि दिए गए समीकरण के दो मूल है। यह इस उदाहरण का हल होगा। उदाहरण 3 का चौथा, गुणनखंड करके समीकरण को हल कीजिए। x धन 3 बटा x ऋण 2 ऋण 1 ऋण x बटा x बराबर 17 बटा 4, जहाँ x 0 के बराबर नहीं है। हल,
एक्स धन तीन बटा एक्स ऋण दो ऋण एक ऋण एक्स बटा एक्स बराबर 17/4 या बाएं पक्ष में हम इसका हर का लघुत्तम निकालेंगे पहले तो हमें प्राप्त होगा एक्स एक्स ऋण दो यह हमारा लघुत्तम आया। इस लघुत्तम को पहले पद के हर से भाग देंगे तो एक्स ऋण दो कट जाएगा और हमें एक्स प्राप्त होगा। ये एक्स को पहले पद के अंश से गुणा करेंगे तो एक्स और कोष्टक में एक्स धन तीन ऋण अब एक्स एक्स ऋण दो जो लघुत्तम आया है हमारे को हमारे पास इसको हम एक्स से भाग देंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा और एक्स ऋण दो बचेगा तो इसे हम लिखेंगे एक कोष्टक में एक ऋण एक्स और जो हमारा बचा हुआ है एक्स ऋण दो इसको एक्स से भाग दिए एक्स एक्स ऋण दो को एक्स से भाग दिए तो एक्स एक्स कट गया एक्स ऋण दो जो बचा एक्स ऋण दो उसको हम ऊपर वाली संख्या एक ऋण एक्स से गुणा किए हैं बराबर 17/4 या हम कोष्टक को खोलेंगे तो गुणा होगा एक्स गुणा एक्स एक्स की घात दो धन तीन एक्स ऋण कोष्टक में हम दोनों कोष्टकों को गुणा करेंगे तो एक को एक्स से गुणा किए तो एक्स फिर एक को ऋण दो से किए तो ऋण दो फिर ऋण एक्स को एक्स से गुणा किए तो ऋण एक्स की घात दो और ऋण एक्स गुणित ऋण दो धन दो एक्स बटा एक्स इसका कोष्टक खोलेंगे तो एक्स की घात दो ऋण दो एक्स बराबर 17/4 या इसका कोष्टक जब हम खोलेंगे तो एक्स की घात दो धन तीन एक्स ऋण एक्स ऋण ऋण धन दो ऋण ऋण धन एक्स की घात दो ऋण को धन से गुणा करेंगे तो ऋण दो एक्स बटा एक्स की घात दो ऋण दो एक्स बराबर 17/4 या एक्स की घात दो और एक्स की घात दो को हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा दो एक्स की घात दो और ऋण एक्स का योग ऋण एक्स और ऋण दो एक्स का योग करेंगे तो ऋण तीन एक्स और धन तीन एक्स शून्य हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास शेष बचेगा धन दो तो धन दो लिखे हमने बटा एक्स की घात दो ऋण दो एक्स बराबर 17/4 या अब हम चार का तिर्यक गुणा करेंगे बाएं पक्ष में और एक्स की घात दो ऋण दो एक्स का तिर्यक गुणा करेंगे 17 से और ये दाएं पक्ष के ऊपर में जाएगा तो तिर्यक गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा चार ये और कोष्टक में हम लिखेंगे चार के बाद दो एक्स की घात दो धन दो कोष्टक बंद बराबर 17 और दूसरे कोष्टक में ये तिर्यक गुणा होगा तो एक्स की घात दो ऋण दो एक्स या कोष्टक को जब हम खोलेंगे और गुणा करेंगे तो 4 × 8 एक्स की घात दो धन 4 × 8 बराबर 17 कोष्टक को खोलेंगे एक्स की घात दो से गुणा होगा तो 17 एक्स की घात दो 17 × 34 ऋण का ऋण 17 × 34 एक्स या पक्षांतर हम करेंगे तो पक्षांतर करने के बाद हमें प्राप्त होगा 17 एक्स की घात दो ऋण एक्स का पक्षांतर करें तो ऋण आठ एक्स की घात दो धन एक्स की घात दो का पक्षांतर करेंगे तो ऋण आठ एक्स की घात दो ऋण 34 एक्स हमारे पास है और धन आठ का पक्षांतर करेंगे तो ऋण आठ बराबर 0। हमने देखा था 17 एक्स की घात दो ऋण आठ एक्स की घात दो ऋण 34 एक्स ऋण 8 बराबर 0 या 17 एक्स की घात 2 में कहीं घटाएंगे हम 8 एक्स की घात 2 को तो हमें प्राप्त होगा 9 एक्स की घात 2 ऋण 34 एक्स
ऋण 8 बराबर 0। 8 को हम 9 से गुणा करेंगे तो हमें 72 प्राप्त होगा, और 72 का गुणनखंड निकालेंगे हम, 72 का गुणनखंड निकालेंगे और हम मध्य पद ऋण 34x को इस हिसाब से लिखेंगे कि उसका जो योग है वो 34 ही आए और उनका गुणनखंड 72 आए। इसके लिए हम 9x की घात 2 ऋण 34x को हम लिखेंगे ऋण 36x और धन 2x ऋण 8 बराबर 0। अब कहीं इसका योग हम करते तो ऋण 34 मिलेगा, और ऋण 36 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास ऋण 72 मिल रहा है, और यहाँ पे ऋण 8 को हम 9 से गुणा कर रहे हैं तो हमें भी ऋण 72 मिल रहा है। तो इस तरह से अब हम यहाँ से पहले दो पद से उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ 9x उभयनिष्ठ निकलेगा, कोष्टक में x ऋण 9 के पाड़े में 36, 9 चौक 36, कोष्टक को हम बंद कर लेंगे। तो हमने पहले दो पद से 9x को उभयनिष्ठ निकाला तो यहाँ बचा x ऋण 4। उसी तरह से अंतिम दो पद से हम उभयनिष्ठ 2 निकालेंगे तो x ऋण हमें 4 पुनः मिलेगा कोष्टक के अंदर। अब दोनों पदों से हम x ऋण 4 का उभयनिष्ठ कहीं हम निकालते हैं तो दूसरे कोष्टक में हमारे पास 9x धन 2 प्राप्त होगा हमको, या इसे हम लिख सकते हैं x ऋण 4 बराबर 0 होगा, या 9x धन 2 बराबर 0 होगा, या ऋण 4 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 4 होगा, या x बराबर धन 2 का पक्षांतर ऋण 2, और 9 का पक्षांतर जब हम करेंगे तो ये बटा में जाएगा। तो इस तरह से हमने x बराबर 4 या x बराबर ऋण 2 बटा 9 प्राप्त किया। अतः x बराबर 4 और ऋण 2 बटा 9 समीकरण के दो मूल है। यह इस उदाहरण का हल होगा।